आजकल सेकंड हैंड चीजों का मार्केट खूब चल रहा है। एसी, कूलर, ज्वेलरी से लेकर सभी चीजें रेंट पर या सेकंड हैंड मिलने लगी हैं। क्या आप जानते हैं कि देश के कई शहरों में ऐसी मार्केट लगती हैं, जहां पर बेहद कम कीमत पर कपड़े मिल जाते हैं? नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी मार्केट के बारे में जहां आपको काफी सस्ते में कपड़े मिल जाएंगे। आगे जानिए भारत की उन मार्केट्स के बारे में जहां बेहद सस्ते दामों में सामान मिलते हैं। ज्यादातर सेकंड हैंड चीजों की मार्केट शहरों के फेमस एरिया में पटरियों पर लगती है, जहां आपको किलो में भी कपड़े मिल जाते हैं। यही नहीं, आपको 20 रुपए में शर्ट तो 100 रुपए में कोट जैसी चीजें भी मिल जाती हैं। हालांकि ये कपड़े पुराने होते हैं या कई बार चोरी के भी होते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस, मजनू का टीला, रघुवीर नगर, करोल बाग, इंद्रपुरी, इंद्रलोक, भरत नगर, लाल किला, चांदनी चौक, पश्चिमपुरी, ईस्ट दिल्ली जैसे कई बाजारों में सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं। ईस्ट दिल्ली में कई जगह कपड़े और जीन्स किलो के भाव से भी मिलती है। यहाँ मिलती हैं ये चीजें, यहाँ 20 रुपए से 300 रुपए में सेकंड हैंड कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, ड्रेस, सूट सलवार, जैकेट मिल जाते हैं। इंडिया में सेकंड हैंड कपड़े इंपोर्ट होते हैं। ये कपड़े किसी के इस्तेमाल किए होते हैं जिन्हें लोग बेच देते हैं। सेकंड हैंड कपड़े बेचने वाले कारोबारी इन्हें खरीद कर ड्राई क्लीन कराते हैं और इन्हें आगे कस्टमर को बेच देते हैं। ये चीन से आते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार इंडिया सेकंड हैंड कपड़े इंपोर्ट करने के मामले वर्ल्ड के टॉप 5 देशों में आता है। कब लगती है ये मार्केट ज्यादातर सुबह और शाम के समय पटरी पर ही लगती है।